क्या आपके दूर की नज़र कमज़ोर है? आप अपने आँखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं? आपको छोटे से ही चश्मा लगा हुआ है, अब आप चश्मा नहीं लगाना चाहते? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। इस टॉपिक पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, वो भी जरूर देखें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में हम सीधे आपको 15 घरेलू उपाय बताएंगे आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। ध्यान रहे, कोई भी एक उपाय जो आपको ईजी लगे वो आप चूज कर लें और उसको रोज करें, तभी आपको रिजल्ट नजर आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो, आंखों की रोशनी बढ़ाने के जबरदस्त 15 घरेलू उपाय। सबसे पहले नंबर 1, सुबह शाम आंखों में 2-2 बूंद गुलाब जल डालें। नंबर 2, 1 चम्मच गाजर के रस में 2 चम्मच आंवले का रस मिलाकर रोज पिएं। नंबर 3, आंखों को आंवले के पानी से धोएं। आंवले के पानी में गुलाब जल मिलाकर फिर धोएं तो और बेटर है। नंबर 4, सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिले, हरी घास पर 15 से 20 मिनट तक नंगे पैर टहलना। घास पर ओस की नमी रहती है, तो नंगे पैर आप टहलोगे तो ये आपकी आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। नंबर 5, पांव के तलवों की मालिश नारियल या तिल के तेल से करें। आप इसको रोज रात में सोने से पहले भी कर सकते हैं, या फिर जब आप नहाने जा रहे हों उसके पहले भी कर सकते हैं। नंबर 6, अनार के 5-6 पत्ते पीसकर दिन में 2 बार इसका लेप आंखों पर लगाएं, इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। नंबर 7, अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें ताकि वे गर्म हो जाएं, फिर इसको आंखों पे लगाएं। नंबर 8, गाजर जितना ज्यादा हो सके खाएं। आजकल तो ठंड का मौसम है, गाजर बहुत मिल रही, गाजर का जूस नियम से पिए, वरना दूध में गाजर उबाल लें और उसमें 1 या आधा चम्मच मिश्री मिलाकर खाएं, गाजर बेस्ट है आंखों के लिए। नंबर 9, नाभि में सरसों का तेल लगाएं सुबह शाम। नंबर 10, आंखों के आसपास अखरोट के तेल से हल्का हल्का मसाज करें। नंबर 11, पालक, पत्ता गोभी, गाजर, मेथी, जितनी हरी सब्जियां हैं, पपीता, नींबू, संतरा अपनी डाइट में शामिल करें। याद रहे, खाने में विटामिन ए और विटामिन डी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आंखों की रोशनी की बात करते हैं तो। नंबर 12, रोज एक पपीता खाएं, पपीता बहुत अच्छा है, पपीते का जूस भी पी सकते हैं या फिर सिंपली पपीता खाएं रोज नियम से तो अच्छा है। नंबर 13, नियमित रूप से अंगूर खाएं, नींबू, संतरा, गाजर, बार बार हम बोल रहे हैं, पपीता, ये सब आंखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। नंबर 14, रात में 4-5 बादाम को पानी में भिगो दें और सुबह उसका छिलका उतार कर पीस लें। इसे आप गर्म दूध के साथ खाएं, या फिर अगर आप बादाम पीस नहीं सकते तो बादाम छिलका उतार कर ऐसे ही 4-5 आप दूध के साथ खा लें। नंबर 15, केला और गन्ना, ये दोनों भी आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। या तो आप केले की सब्जी बना लें या फिर आप केला ऐसे ही खा सकते हो, तो डिपेंड आप पे करता है कैसे आपको खाना है। कुछ आई एक्सरसाइजेस हैं जिनके करने से आपको मदद मिलेगी। पहला, सुबह शाम 1-1 मिनट तक पलकों को जल्दी से खोलने तथा बंद करने का आपको प्रैक्टिस करनी है। जल्दी खोलें, जल्दी बंद करें 1-1 मिनट तक के लिए। दूसरा, पेंसिल फोकस एक्सरसाइज। इसमें क्या करना है, एक पेंसिल आप ले लो, उसे आप अपने सामने रखो और उस पर 1 मिनट तक फोकस करो, या फिर आप कोई एक पॉइंट बना लें दीवार में, कॉपी में, कहीं भी, और उस पर आप 1 मिनट तक के लिए फोकस करें। ये आपको डेली करना है। तीसरा, आंखों की पुतली को क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाएं 1 मिनट तक के लिए, या फिर अगर आप चाहो तो सूरज के सामने खड़े हो जाइए और अपनी आंखें बंद करिए और एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज डायरेक्शन में गोल गोल जैसे पुतलियां घुमाते हैं वैसी आंख बंद करके आप अपनी पुतलियां घुमाएं। आई होप थोड़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से आपको। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स थे जिन्होंने ये वीडियो डिमांड किया था कि वो थोड़ा सा और इस बारे में जानना चाहते थे, तो आई होप आपको हेल्प मिला होगा। जो भी उपाय आपको बताए गए हैं, ये सारे उपाय आप ज़रूर करें ऑन अ डेली बेसिस, याद रहे। कमेंट में बताएं कैसा लगा ये वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें प्लीज़। बाय।